पुलिस का नारा है आमदन में विश्वास अपराधियों में डर, किंतु यह नारा शायद राजस्थान पुलिस की समझ से परे है। इसी को सार्थक करने वाला एक मामला सामने आया है बीकानेर पुलिस का, जहां पर करीब 35 लाख रुपए की अनाज चोरी रिपोर्ट करने गए पीड़ित को पुलिस ने जमकर घुमाया और ऐलानिया धमकी देकर उसे जयपुर PHQ में DGP उत्कल रंजन साहू से गुहार लगाने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित ने बाकायदा रविवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी दी है। पीड़ित रण सिंह पुत्र राम प्रताप जाट निवासी बनावाली जिला फतेहाबाद हरियाणा का ने बताया कि उसने 2021 में धर्मवीर सिंह पुत्र छोटू राम निवासी घनाना जिला भिवानी गांव दिलेरा रोही पटवारी हल्का सलेरा में स्थित एक खेत को लीज पर लिया था, जिसमें पहले वर्ष का ठेका 50,000 रुपए तथा दूसरे व तीसरे वर्ष के लिए 60,000 रुपए वार्षिक पर तय हुआ था। जब पीड़ित ने लीज पर खेत लिया तब वह जमीन बिल्कुल बंजर थी। पीड़ित ने उस बंजर जमीन को सुधार कर जमीन पर अनाज बनाना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी मेहनत जो रंग दिखाना शुरू कर दिया और अच्छी पैदावार होने लगी। पीड़ित ने प्रेस वार्ता में बताया कि फसल बुआई और कटाई के लिए उसने एक ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर ले रखी थी। जब अंधरमा यानी कपास जो कि तकरीबन 15 लाख का था उसे बेचने की बारी आई तब उसने किराए पर ली गई ट्रैक्टर ट्रॉली में उसे भर दिया था। पीड़ित ने बताया कि वह नरमा ट्रैक्टर ट्रॉली में भर चालक को उसके दूसरे खेत जो कि वह भी लीज पर लिया गया था उस पर आने को कहा था, किंतु आरोपी ने नरमे यानी कपास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते में ही गायब कर दिया और सुबह तक भी उसके सामने नहीं पहुंच पाए। शक होने पर उसने ट्रैक्टर ट्रॉली की खोजबीन शुरू की किंतु उसे कुछ हाथ नहीं लगा। तब उसे लगा कि वह ठगा जा चुका है। बाद में उसने तकरीबन बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर नापासा थाने में रिपोर्ट दी, किंतु आज दिन तक भी उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकी। पीड़ित ने बताया कि उसने न्याय के लिए थाने के या पुलिस महकमे के कांस्टेबल से लेकर आज तक की गुहार लगाई, लेकिन उसने न्याय मिलने की जगह केवल और केवल ऐलानिया धमकियां मिली और धक्के खाए। पीड़ित ने प्रदेश की राजधानी जयपुर में पहुंचकर पुलिस महकमे के सरदार यानी DGP उत्कल रंजन साहू से न्याय की गुहार लगाई है। सोमवार को पीड़ित पुलिस मुख्यालय में DGP साहू से मिलकर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में भी पीड़ित रण सिंह का करीब 15 लाख के गवार चोरी हो चुका है। उस समय भी पुलिस ने उसकी FIR दर्ज नहीं की थी। बाद में तत्कालीन संस्कार में मंत्री देवी सिंह भाटी ने हस्तक्षेप किया और वो रिपोर्ट दर्ज हो पाई, लेकिन फिर भी इसमें भी पुलिस ने खेला कर दिया। कुछ समय बाद ही रिपोर्ट को झूठा मानते हुए पुलिस ने उस पर FIR यानी फोर्स रिपोर्ट लगाकर उसे बंद कर दिया। पीड़ित ने बाकायदा CM कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर 181 यानी 181 पर भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई है, किंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में पुलिस का यह अमानवीय चेहरा कहीं ना कहीं पुलिस की और पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करता है। मैं चरण सिंह पुत्र राम प्रताप गांव बनावाड़ी जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूं, स्थायी निवासी हूं और मैं यहां जयपुर पहुंचने का मैं आप मीडिया लोगों से निवेदन करता हूं, जो प्रकरण आपके सामने है मैं आपसे अपील करता हूं मेरी सुनवाई ज्यादा से ज्यादा करें, मेरी आवाज बने। सर मैंने बीकानेर जिले सरेरा गांव दिरेरा रोई के अंदर 77 बीघे जमीन धर्मवीर सिंह पुत्र छोटूराम गांव धनाना की थी, वो लीज पे ली थी सर। पहले साल के मैंने 50,000 रुपये उसको दिए और दूसरे साल के मेरे को 60,000 और तीसरे साल के 60,000 रुपये देने का काम मैंने किया। उसके बाद में उस जमीन में बंजर भूमि थी, वो सर बंजर भूमि को मैंने सुधार किया और मैंने सरसों की बिजाई की, मेरी सरसों मैंने अच्छी भली भांति निकाल करके मेरी सेल कर ली। उसके बाद में मैंने मेरा नरमा बिजाई किया, उसमें नरमा बिजाई रुई कपास जो बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। तो वो नरमा मेरे एक मकान में था और यहाँ गांव ढिंगसरा से कोई ट्राली ट्रैक्टर किराए के लिए आई हुई थी, किराए का काम कर रहे थे वो यहाँ, और उनसे मैंने उनकी ट्राली में नरमा डाल लिया था। शाम को डाला, सुबह लूनकन सर सेल करने के लिए मंडी के अंदर ले के जाना था और ले जाने के बेच के आना था मेरे को, मैंने डाल लिया। रात को मैं दूसरे खेत में काम करने के लिए चला गया और वहाँ मैंने ट्राली लाने के लिए उनको बोल दिया, उस सुधीर को, तो वो लेके नहीं आए। और साहब राम इनका मास्टरमाइंड है, जो साहब राम इसकी ट्राली को दूसरे रास्ते निकालते हुए ये रात को वहाँ से ट्राली चोरी करके निकल गई। और लूनकन सर पीछे मैंने सुबह होते ही गाड़ी लेके किराए पे और मैं मलकी सर पहुंचा, इनके साथ एक जग्गी नाम का लड़का था मलकी सर का, तो वो मेरे को पता चला भी उनके पास मिलेंगे, तो वहाँ मैंने भाग के वहाँ गया मैं गाड़ी लेके किराए पे करके, और वहाँ गया तो वो और उसका भाई दोनों मिले। उन्होंने मेरे को बताया भाई आप साथ में थे, बताओ क्या हुआ। बोले हम साथ में, हम तो यहाँ उतर गए, यहाँ से उन्होंने एक बोतल दारू खरीद दी है और वो ट्राली लेके निकल गए और यहाँ चाय पी करके सुबह निकल गए, वो तो कम से कम हरियाणा पहुँचने वाले हैं। उन्होंने हमारे को ये बात बताई, दबाव डाला तो
तो उसके बाद में मैंने पता करवाया, ढिंगसरा के अंदर ट्राली पहुंच चुकी थी और सहजरा सर पेट्रोल पंप पे मैंने पता किया तो वहाँ उस ट्राली की फुटेज आई हुई थी। उसके बाद में 2 तारीख को 2/12/2022 को मैं थाना नापा सर के अंदर पहुंचा, वहां मेरे को सुखचाराम हेड कांस्टेबल मिला, उन्होंने मेरे को ऐलानियां धमकियां देते हुए निकाल, मैं अप्लीकेशन दी तो उसने मेरे को निकालने का काम किया। उसने बार बार ये बोला मैं जाट हूँ, या कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा तुम्हारा, तुम हरियाणा से आके क्या करना चाहता है। मैं कह साहब मैं तो मेरी अपील कर रहा हूँ और जो मेरे साथ वाका हुआ है वो मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। उसने मेरे को ऐलानियां धमकियां दी और मेरा कागज उसने पकड़ लिया। फिर उसके बाद दूसरी बार मैं नापा सर के अंदर आया तो महेश जी चिल्ला साहब SHO साहब से मैं मिला, उनसे बात की तो उसने यही जवाब दिया यहाँ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तू यहाँ से चला जा, क्यों बार बार चक्कर काट रहा है, पुलिस को परेशान कर रहा है। मैं वहां से निकल गया। उसके बाद में मैं मिला SP तेजस्वी गौतम बीकानेर से, तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने भी कोई आश्वासन नहीं दिया भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं उमेश सिंह है उसका SP का रीडर, उसने मेरे को फिर धमकी दे दी भाई तू यहाँ बार बार चक्कर ना लगा, यहाँ तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा गया सो गया। चलो मैं वहां से फिर निकल गया। फिर मैंने 23/8/2023 को महानिरीक्षक महोदय DGP साहब ओम प्रकाश जी से मैं मिला, उनको मैंने एक परिवाद दी। वो परिवाद देते हुए उन्होंने कहा भी ठीक है आपकी हम कार्रवाई करवाते हैं, उसने ये बात बोली थी। IG साहब ने ये कहा भी मैं इसकी कार्रवाई करवाता हूँ, ठीक है सर। उसके बाद में दूसरी दफा मैं 6/9 को फिर आया, फिर मिला तो उन्होंने मेरे को यही आश्वासन दे के निकाल दिया। तीसरी बार मैं आया तो वो थे तो ऑफिस में पर मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, नहीं है कहे साहब नहीं है से करके मेरे को वहां से निकाल दिया गया। 270 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है, वहां से बार बार आने में तकलीफ भी होती है। 9 बार मैं कुल टोटल आ चुका हूँ इस बीकानेर के अंदर, थब्बे धक्के खा चुका हूँ, आज तक कोई प्रकरण नहीं हुआ इसके ऊपर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में मैंने संपर्क पोर्टल पे बार बार परिवाद दे चुके हैं, जो सारे के सारे मैसेज मेरे पास में अंक उनके मेरे है, उस पोर्टल को भी इस डिपार्टमेंट डिवीजन बीकानेर के डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ब्लैकमेल कर रखा है पूरे के पूरे को। आज तक कोई भी अपराधी का इन्वेस्टिगेट के अंदर बयान अंकित नहीं किया गया, आज तक कोई परिवादी का इन्वेस्टिगेट के अंदर बयान अंकित नहीं किया, ऐसे झूठे साची रिपोर्ट बना करके इसको और पोर्टल पे वापसी भेज देते हैं। और भेजने के बाद वहां से हमारे पास फोन आता है भी डिपार्टमेंट द्वारा भाग विभागीय कार्रवाई करते हुए आपकी रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरा मानना ये है सर भाई, वादी से कम अधिकारी संपर्क तो करे, हमारे आला अधिकारी है उनका एक अधिकार बनता है। आज तक किसी ने मेरे से इस मैटर के बारे में संपर्क भी नहीं किया, पूरे के पूरे बीकानेर डिवीजन के अधिकारियों से मैं मिल चुका हूं सर, आज तक मेरे को कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। सभी ने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, महानिरीक्षक जी ने भी मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, वो भी मेरे से बात नहीं करते। SP तेजस्वी गौतम ने वो उनने भी डाल रखे हैं, मुकेश कुमार जी है डिप्टी साहब उन्होंने भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले गए, उनके पास मैं 2 बार पहुंचा हूँ वो मिले ही नहीं, उन्होंने मेरे को शक्ल ही नहीं दिखाई कभी। उसके बाद में मैं SHO साहब को नो भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला मूलाराम अधिकारी है उसने भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है, हरिचरण है जो सरेरा चौकी का इंचार्ज है उसने भी नंबर ब्लैक लिस्ट में, कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी बीकानेर की ये जांच मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज मेरा फोन मिला के देख लेना, अभी आप मिला के देख लो मेरे मीडिया बंधुओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है भी अभी मिला के देख लो, अगर जे कोई अधिकारी का नंबर लग जाए तो मेरे को अभी यहाँ आप बता देना। है मैंने फिर सहायता बीकानेर से तो मेरे को आज टूट गई थी, उसके बाद में मैंने आपके मीडिया बंधुओं से मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, भाई साहब से ये शुभम जी से मैंने रिक्वेस्ट की भी मेरे को ये परेशानी है जी और मेरी सुनवाई कराओ सर, न्याय के लिए मेरी आवाज बनो सर, मेरी आवाज उठाने के लिए सर। DGP साहब से मिलने के लिए आया हूँ जी आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं मेरी सहायता करो, आप ज्यादा से ज्यादा मेरी आवाज बनो, मैं तो ये चाहता हूँ। ये जी हमारी एक
इससे 20 दिन पहले ये जो मामला मैंने आपको पहले बताया, उससे 20 दिन पहले ये ग्वार 100 बोरी ग्वार वहां से ये भी उठाया गया था। ठीक है, जो अपराधी इसमें अलग है, वो अपराधी नहीं है जो इसमें, ये अलग पार्टी है उठाने वाली, ये गिरोह बना हुआ है, पुलिस दो इसको पना दे रही है। तो ये FIR मैंने देवी सिंह जी भाटी मंत्री जी को निवेदन करके, और तेजस्वी गौतम जो पुलिस अधीक्षक है, तो पुलिस अधीक्षक को फोन करके बड़ी बेरहमी से बोल करके ये मुकदमा दर्ज करवाया था। और इसमें भी क्या है, उस पुलिस अधिकारियों ने, सुरजाराम ने, मुड़ाराम ने रिपोर्ट बनाई है ना, हाँ उसी थाने की रिपोर्ट आई है नापासर के अंदर, ये मुकदमा 74 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया उन्होंने, दर्ज करके इसमें भी जो धाराएं लगानी थी वो नहीं लगाई गई, जो नॉर ये मुकदमा दर्ज हुआ है जी 2022 के अंदर